भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन साथ में ठाणे रूरल के जो मिशन में आता है वहां पे कल वहां पे एक डेड बॉडी देखी गई और उससे फिर ये कनेक्शन लगा कि आपने मेरा अपने काशीपुरा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रजिस्टर्ड है उसके तो है ये इंडिया अकाउंट के नेताजी जी पांडे ये डेड बॉडी पता चला उसके तहत हमने 300 लोगों का ऑफिस भिवंडी तालुका में रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद हमारे हमने बहुत से एंगल में इसका इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें हमने ये देखा कि काशीपुरा पुलिस स्टेशन के जुडिशियल में 16 तारीख को एक मिसिंग रजिस्टर्ड हुआ था और मिसिंग रजिस्टर्ड जो लास्ट उसमें लास्ट सीन जिसने देखा था नेताजी पांडे को इनको जिसने देखा था वो एक केडीए अंकिता मिश्रा तो उसको हमने फिर इंक्वायरी के लिए बुलाया और उससे फिर हमने पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद हमें ऐसे लगा कि वो कुछ छुपा रही है या फिर अलग से कुछ ट्रीटमेंट दे रही है तो ठीक है हमने उसमें इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि खुद अंकिता मिश्रा और उसके साथ एक सतीश मिश्रा इन दोनों ने विद्याचंद्र जी पांडे का वहां पे कत्ल किया और कत्ल करके उन्होंने ये पूरा एपिसोड ये किया और उन्होंने दोनों ने जो भी हमें हमारे पास लोगों के लिए कन्फेशन भी दे दिया सर कत्ल का कारण क्या हो कुछ मालूम पड़े इसमें अभी प्राइमरीली इन्होंने ये बताया कि अंकिता मिश्रा ये इंडिया अनबाउंड में काम करती थी और उसका कहना है कि लीगल अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत उसने ये सब किया है और उसका साथ सतीश मिश्रा इन्होंने इसमें लिया किस तरह से इन्होंने इसमें एक आठ दस दिन पहले इनका ये चालू था कि नित्याजन पांडे जी जो है उनको कुछ ना कुछ इसमें हम कर सकते हैं हत्याकार तब से उनका स्टार्ट हुआ एक 8-10 दिन पहले और इसके लिए इन्होंने कैसे आता करना ये भी डिसाइड किया हुआ था इन्होंने डिसाइड किया था कि स्लीपिंग पिल्स जो है वो उसमें कहीं भी मिलाई जाए और उससे फिर वो ये बेहोश हो जाए उसके बाद हम आगे भी वहां पे अंजाम दे सकते तो स्लीपिंग पिल्स लाने की जवाबदारी सतीश मिश्रा के ऊपर थी उन्होंने अपने ही नयानगर पुलिस स्टेशन के जो मिशन में एक मेडिकल है वहां से उन्होंने खरीदी थी स्लीपिंग पिल्स और स्लीपिंग पिल्स इन्होंने 14 तारीख को खरीदी की और 15 को सुबह ये दोनों एक जिम के लिए जाते थे जिम में नहीं जाते हुए उन्होंने गाड़ी में 7-8 से बैठते थे और ये सब प्लानिंग कर रहे थे 15 तारीख को सुबह सतीश ने अंकिता को ये स्लीपिंग पिल्स दी और अंकिता ने घर पे लेके जाने के बाद उसका वो चूर्ण बनाया और फिर वो पूरी पाउडर में मिक्स करा के मिक्स करके वो 15 तारीख को सुबह ऑफिस में लेके आई थी और इनके प्लान के तहत सतीश वहां पे दोपहर के 3-3:30 बजे वहां पे आया ऑफिस के बाहर उसने अंकिता को बताया कि मैं यहां पे आ गया हूं आप पांडे जी को बाहर निकालिए प्लान के तहत और फिर पांडे जी जब बाहर आए तो उन्होंने सतीश खुद के सामने आया उनकी पहचान थी क्योंकि सतीश इंडिया अनबाउंड की प्रिंटिंग के लिए काम कर रहा था इसका ऑफिस कांदिवली में और फिर सतीश ने बताया कि पांडे जी आपको रो हाउस देखना है मैंने अच्छी तरीके से रो हाउस देख मेरे पहचान वाले लोग हैं उत्तर एरिया में वहां पे हम जा सकते हैं तो पांडे जी बोले ठीक है हम जाएंगे जो गाड़ी इन्होंने इसमें यूज की है इनोवा गाड़ी ये खुद सतीश की है उसकी वाइफ के नाम पे है वो गाड़ी हमने जब देखी है और गाड़ी खुद सतीश चला रहा था और पीछे अंकिता और पांडे जी बैठे थे और अपना मैक्सिस मॉल के आगे निकलते समय इसने अंकिता ने एक जो प्रोटीन पाउडर आता है वो मिक्स करके पानी में मिक्स करके पांडे जी को वहां पे पीने के लिए दिया और उसके बाद कुछ देर के बाद असर शुरू हो गया वो बेहोश हो गए इन्होंने गाड़ी आगे लेके गए उत्तर में लास्ट एक एरिया है सुनसान जगह है वहां पे इन्होंने गाड़ी खड़ी की और उन्होंने फिर चेक किया कि पांडे जी पूरे तरह बेहोश में है या नहीं है उनको पता चला कि बेहोश में और यहाँ पे हम इसको अंजाम कर सकते हैं जो लास्ट अंजाम करना है तो उन्होंने अपने
यहाँ पे गले में उनका गला दबाया दोनों ने मिलकर। बीच में जाते समय उन्होंने एक रस्सी भी परचेस की थी और फिर वहां पे डेथ होने के बाद, गाड़ी में डेथ होने के बाद वहां पे आजू बाजू के लोग थे, कुछ आना जाना डेट था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ डेड बॉडी फेंकना बराबर नहीं रहेगा, तो उन्होंने फिर वहां से गाड़ी निकाली और ये फिर गए अपने अहमदाबाद हाईवे से जाते हुए थोड़ा सा एक तरह से भिवंडी हमारा पुलिस स्टेशन लगता है वो बीच में वहां पे थे, क्योंकि इनको सुनसान जगह चाहिए थी डेड बॉडी फेंकने के लिए। और फिर आगे जाने के बाद इनको वहां पे एक छोटा ब्रिज दिखा और उनको लगा कि पानी में डेड बॉडी फेंकना है, फिर उन्होंने पहले थोड़ा सा उसका अंदाज किया, वो डांकी ताने पत्थर डाल के बीच में ये किया कि यहाँ पे पानी है या नहीं है, क्योंकि अंधेरा था, पानी में उनको अंदाज आया कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि पानी थोड़ा था, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर डेड बॉडी उसमें फेंकी। वो जो डिस्टेंस है 25-30 फुट का डिस्टेंस है और नीचे सब पत्थर है, तो वहां पे उन्होंने वो डेड बॉडी फेंक दी, डेड बॉडी पानी भी वहां पे नहीं रही, थोड़ी साइड में आ गई और इसी तरह इन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद ये लोग वापस आ गए। इस मामले में कोई आपकी नहीं और